नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। फतेहाबाद में नशा विरोधी मुहिम के तहत आमरण अनशन पर बैठे परवीन काशी को समर्थन देने के लिए जेजेपी नेता व पूर्व सांसद दुष्यंत चौटाला पहुंचे। उन्होंने कहा कि जेजेपी की सरकार आने के बाद नशा तस्करी को लेकर के नए और सख्त कानून बनाए जाएंगे। बढ़ रहे नशे को लेकर के मुख्यमंत्री मनोहर लाल को ठहराया जिम्मेदार। उन्होंने कहा कि सीएम कोई भी कदम नशे को खत्म करने के लिए नहीं उठा रहे। वहीं उन्होंने इनेलो और जेजेपी को एक करने के लिए खाप पंचायतों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि खाप पंचायतें केवल दुष्यंत चौटाला को ही टारगेट कर रही हैं। वहीं बीजेपी के टिकट वितरण पर भी दुष्यंत चौटाला ने सवाल उठाए। कहा, पुरानी बीजेपी कार्यकर्ताओं की टिकट सबसे पहले काटेगी भाजपा, और हालात जिस प्रकार से बन रहे हैं ऐसे ही लगता है कि पुराने कार्यकर्ताओं की बजाय नए लोग जो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं उन्हें टिकट देगी बीजेपी। पल पल फतेहाबाद से राजेश भांबू की विशेष रिपोर्ट। एक मुहिम भाई काशी ने फतेहाबाद से चला रखी, जिसके अंदर स्वयं मुख्यमंत्री भी इनको वादा कर कर गए कि सिरसा फतेहाबाद को एंटी ड्रग स्पेशल जोन बनाया जाए, मगर कोड ऑफ कंडक्ट किसी समय भी लग सकता है। उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री द्वारा एक बार दोबारा उस विषय पर ना दोबारा कोई कदम उठाना, ये साबित कर देता है कि जिस तरीके से नशे का व्यापार पिछले 5 साल में हरियाणा के एक एक कोने में पहुंचा है, गृह विभाग मुख्यमंत्री के पास है, पुलिस प्रशासन मुख्यमंत्री के अंदर, कहीं ना कहीं ये मुख्यमंत्री की सोच को दर्शाता है कि वो चाहते हैं कि प्रदेश नशा मुक्त। अगर मुख्यमंत्री चाहते तो पंजाब से नशा हरियाणा की धरती पर कभी आता नहीं, और दिन प्रतिदिन जिस तरीके से नशे का व्यापार व्यवसाय बढ़ा है हरियाणा प्रदेश के अंदर, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कहीं ना कहीं एक सेफ पैसेज सरकार ने और पुलिस विभाग ने दे रखा है कि नशे का व्यापार प्रदेश में बढ़ा है। जेजेपी ने क्या कहा है कि अगर उनकी सरकार आती है? हमने तो इनसो के स्थापना दिवस पर भी ये वादा किया कि जहाँ नशे से लड़ाई हमारी प्राथमिकता है, जेजेपी की सरकार बनने पर नशे का व्यापार करने वालों अगर हम पकड़ते तो उनको नॉन अवेलेबल उसके ऊपर एक्ट के अंदर तब्दीली करी जाएगी, जिसके अंदर ऐसे लोग कहीं ना कहीं सरकार से डले, और जो सजा का प्रावधान आज के दिन तो आप बेल लेकर फिर छूट सकते हैं, फिर ये व्यवसाय बढ़ा सकते हैं, उसको भी कहीं ना कहीं हमें बढ़ाना पड़ेगा। आज वो शायद 2 साल, उसको 5 साल से ऊपर ले जाना पड़ेगा। जब तक लोगों को हार्ड एक्शन नहीं दिखेंगे तो लोग इस तरह की गतिविधियों पर रोकेंगे। जैसे कि पंचायतों ने जो प्रयास शुरू किए, आपने कल उनको सलाह दी थी कि सिर्फ चौटाला परिवार की बजाय देवीलाल परिवार को एकजुट करने का प्रयास करें, उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स है? मेरी तरफ से बात रख, उनको जगह भी बता दी, आज मैं उजाणा में हूँ, कल मेरे कार्यक्रम भादुरगढ़ के और कोसली के, जहाँ वो चाहेंगे प्रोग्रामों के बीच में मिले, मैं पूरी तौर पर उपलब्ध भी हूँ, ना मैं कहीं भागा, मेरे से समय मांगा गया समय दिया, मगर आज बारी बारी सिर्फ दुष्यंत तक उसको सीमित करना, मुझे लगता है कि आज टारगेट फिर मैं बनाया जा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ, प्रयास उनका सराहनीय है, पहले दिन डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने जब उनका समर्थन किया था तो इसी वाक्य पे किया था कि चौधरी देवीलाल के परिवार को, उस समय तो पूरी ऑपोजिशन की बात थी, और आज वो धीरे 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 दुष्यंत तक आके सीमित रह गया, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ के अंदर मेरे से ज़्यादा आप लोगों को समझ कोई राजनीतिक साजिश देख रहे हैं इस प्रयास की? मैं नहीं बोल सकता, आपके प्रयास जो है वो सराहनीय है, मगर इसके अंदर जिस तरीके से चौटाला गांव में बात बोली गई कि दुष्यंत बीजेपी की गोद में जाके बैठ जाएगा, मुझे उस चीज से बड़ी पीड़ा हो। राव इंद्रजीत का एक बयान है कि जो बीजेपी में बेड़ियों की तरह घुसे उनको टिकट लेने नहीं दूंगा, तो किस तरह से देखते हैं उनके इस बयान को? वो बीजेपी है, उसके अंदर कोई एक व्यक्ति नहीं डिसाइड करता। पिछले विधानसभा के अंदर बीजेपी के लोगों को टिकट नहीं मिली थी, सारे बाहर से आए हुए लोगों को मिली थी, और अब भी आप देख लें ऐसी हालात है, मुझे लगता है जिन लोगों ने अपना पूरा जीवन बीजेपी के लिए समर्पित कर दिया, सबसे पहले तो उनकी टिकट काटने का काम बीजेपी वाले का। एक धरने में पहुंचे थे तो समर्थन दिया, एक मुहिम भाई काशी ने फतेहाबाद से चला रखी, जिसके अंदर स्वयं मुख्यमंत्री भी इनको वादा कर कर गए कि सिरसा फतेहाबाद को एंटी ड्रग स्पेशल जोन बनाया जाए, मगर कोड ऑफ कंडक्ट किसी समय भी लग सकता है, उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री द्वारा एक बार दोबारा
उस विषय पर ना दोबारा कोई कदम उठाना, ये साबित कर देता है कि जिस तरीके से नशे का व्यापार पिछले 5 साल में हरियाणा के एक एक कोने में पहुंचा है, गृह विभाग मुख्यमंत्री के पास है, पुलिस प्रशासन मुख्यमंत्री के अंदर, कहीं ना कहीं ये मुख्यमंत्री की सोच को दर्शाता है कि वो चाहते हैं कि प्रदेश नशा मुक्त। अगर मुख्यमंत्री चाहते तो पंजाब से नशा हरियाणा की धरती पर कभी आता नहीं, और दिन प्रतिदिन जिस तरीके से नशे का व्यापार व्यवसाय बढ़ा है हरियाणा प्रदेश के अंदर, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कहीं ना कहीं एक सेफ पैसेज सरकार ने और पुलिस विभाग ने दे रखा है कि नशे का व्यापार प्रदेश में बढ़ा। जेजेपी ने क्या कहा है कि अगर उनकी सरकार आती है? हमने तो इनसो के स्थापना दिवस पर भी ये वादा किया कि जहाँ नशे से लड़ाई हमारी प्राथमिकता है, जेजेपी की सरकार बनने पर नशे का व्यापार करने वालों को अगर हम पकड़ते तो उनको नॉन अवेलेबल, उसके ऊपर एक्ट के अंदर तब्दीली करी जाएगी जिसके अंदर ऐसे लोग कहीं ना कहीं सरकार से दिले, और जो सजा का प्रावधान आज के दिन तो आप बेल लेकर फिर छूट सकते हैं, फिर ये व्यवसाय बढ़ा सकते हैं, उसको भी कहीं ना कहीं हमें बढ़ाना पड़ेगा। आज वो शायद 2 साल, उसको 5 साल से ऊपर ले जाना पड़ेगा। जब तक लोगों को हार्ड एक्शन नहीं दिखेंगे तो लोग इस तरह की गतिविधियों पर रोकेंगे। जैसे कि खास पंचायतों ने जो प्रयास शुरू किए, आपने कल उनको सलाह दी थी कि सिर्फ चौटाला परिवार की बजाय देवीलाल परिवार को एकजुट करने का प्रयास करें, उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स है? मेरी तरफ से बात रख, उनको जगह भी बता दी, आज मैं उजाणा में हूँ, कल मेरे कार्यक्रम भादुरगढ़ के और कोसली के, जहाँ वो चाहेंगे प्रोग्रामों के बीच में मिले, मैं पूरी तौर पर उपलब्ध भी हूँ, ना मैं कहीं भागा, मेरे से समय मांगा गया, समय दिया, मगर आज बारी बारी सिर्फ दुष्यंत तक उसको सीमित करना, मुझे लगता है कि आज टारगेट फिर मैं बनाया जा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ, प्रयास उनका सराहनीय है, पहले दिन डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने जब उनका समर्थन किया था तो इसी वाक्य पे किया था कि चौधरी देवीलाल के परिवार को, उस समय तो पूरी ऑपोजिशन की बात थी, और आज वो धीरे 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 दुष्यंत तक आके सीमित रह गया, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ के अंदर मेरे से ज़्यादा आप लोगों को समझ, कोई राजनीतिक साजिश देख रहे हैं इस प्रयास को? मैं नहीं बोल सकता, आपके प्रयास जो है वो सराहनीय है, मगर इसके अंदर जिस तरीके से चौटाला गांव में बात बोली गई कि दुष्यंत बीजेपी की गोद में जाके बैठ जाएगा, मुझे उस चीज से बड़ी पीड़ा हो। राव इंद्रजीत का एक बयान है कि जो बीजेपी में बेड़ियों की तरह घुसे हैं उनको टिकट लेने नहीं दूंगा, तो किस तरह से देखते हैं उनके इस बयान को? वो बीजेपी है, उसके अंदर कोई एक व्यक्ति नहीं डिसाइड करता। पिछले विधानसभा के अंदर बीजेपी के लोगों को टिकट नहीं मिली थी, सारे बाहर से आए हुए लोगों को मिली थी, और अब भी आप देख लें ऐसी हालात है, मुझे लगता है जिन लोगों ने अपना पूरा जीवन बीजेपी के लिए समर्पित कर दिया, सबसे पहले तो उनकी टिकट काटने का